भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वें जयंती के मौके पर कल्याण रोड स्थित राजीव गांधी चौक पर भिवंडी कांग्रेस नेताओं ने माल्यार्पण कर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता इकबाल सिद्दीकी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सोहेल खान, सेवा दल के अध्यक्ष अशफाक हाशमी, परवेज खान उर्फ पीके, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रेहाना अंसारी, मानव अधिकार संगठन के शेख अब्दुल जब्बार, अहमद सिद्दीकी, इरफान पटेल, सोना मैडम, आरटीआई कांग्रेस के इब्राहिम मलबारी, नफीस अंसारी, फूलचंद यादव, अयाज अंसारी, जाकिर मोमिन आदि मौजूद थे। हमारे चैनल की टीम से बातचीत के दरमियान स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए विकास के दृष्टिकोण से क्या कहा गया, देखिए इस खबर में। भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है। उस अवसर पर हम तमाम लोग यहां पर आज जमा हुए और फूल माला अर्पण किए। राजीव गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो भारत में जो ये टेक्निक चल रही है, आप देख रहे हैं जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का जो काम हो रहा है, वो राजीव गांधी जी ने उसको भारत में लेकर के आए। और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हमेशा देश के बारे में सोचते थे, देश की एकता, अखंडता और देश को मजबूती देने के बारे में सोचते थे, और इसी को लेकर के वो देश के लिए शहीद भी हो गए। वो ताकतें जिनको पसंद नहीं थी भारत की एकता, एकात्मता, अखंडता, उन लोगों ने उनको शहीद कर दिया। हम तमाम लोग आज इस मौके पर जो है उनके जयंती के मौके पर ये कहना चाहेंगे कि तमाम लोग जब ऐसा समय आए भारत की एकता के लिए एक हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव जी की आज 77वीं जयंती है। इस मौके पे हम सब यहाँ पर कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हें खराज तकीदत पेश किए हैं। आज पूरा देश राजीव जी के जन्मदिन के मौके पर सद्भावना दिवस के रूप में मना रहा है, और हम यही चाहते हैं आज के दिन ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसको हटाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए सद्भावना की ज़रूरत है। यही संदेश हमारा है सभी देशवासियों को, यही संदेश है कि एक दूसरे का भाई भाई समझ के आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। ये बोलना चाहूँगा, जो हिंदुस्तान के अंदर जो कंप्यूटर वगैरह आया हुआ राजीव जी लाए हुए हैं, ये लोग, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं सभी लोग, जैसे अब पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, ये सब लोग आए, मैं सभी को हम सबकी तरफ से खराज अकीदत पेश कर। और पूर्व प्रधानमंत्री राजू जी की आज जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे खराज अकीदत पेश करते हैं पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हम राजू जी का बहुत एहसान है हम लोगों पर, जो 18 साल के वोटर बच्चों का अधिकार उन्होंने ही दिया है, और महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया करते थे। ऐसी महान हस्ती आज हमारे बीच में नहीं है, हमें इसका बहुत अफसोस है, और हम इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। जयंती के अवसर पर उनको सभी लोग, आज राजू जी की जयंती है, राजीव गांधी अमर रहे के नारे के साथ हमने फूल अर्पण किया है राजीव गांधी चौक पर, और ये आगे हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत बनेगी और आगे बढ़ेगी और आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आएंगे। इतना ही कह के मैं अपने